इश्क मेरी है आरज़ू, तेरा इश्क मेरी पनाह है, है गुनाह इतना हसीन नूर, नूर रुक। अरे नूरी मेरी बात तो सुन, नूर मेरी बात तो सुन। ये सब क्या है नूर? तेरा और मेरा निकाह होगा। क्यों नहीं हो सकता? बचपन से लेकर आज तक तेरे सारे राज मैं छुपाती हूँ। तू भाग के फिल्म देखने जाता था और झूठ पैर बोलती थी। जान का गर्दन तू तोड़े, डांट मैं खाऊं। तेरे लंदन जाने के बाद दुपट्टा भिगो भिगो कर मैं रो और निकाह करे वो बड़ी बड़ी बातें करने वाली। मेरे ठेंगे से एक लीटर लगा के दूंगी ना तुम दोनों को, बेहोश हो जाओगे। और रोज वीडियो कॉल पर बात होती है, आज तक एक बार भी नहीं बताया कि तुझे किसी और से प्यार है। अरे मेरी पागल नूरी, मैं तुझे सरप्राइज करना चाहता था। सरप्राइज और शौक में ना बहुत फर्क होता है आजाद। एक मिनट नूरी, तूने मुझे बताया? तूने भी नहीं बताया ना मुझे कि अम्मी ने तेरा और मेरा निकाह पक्का किया। बड़ी अम्मी तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, माँ बेटे के सरप्राइज के चक्कर में मर गई नूर। ए, नूरी, नूर, नूरी मेरी बात सुन। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से लेकर 12th तक साथ पढ़ी, हम साथ रहे हैं, साथ बड़े हुए, मेरे दिल की हर बात जानती। मेरी पागल नूरी तू मेरे लिए सब कुछ है, पर तू मुझसे प्यार नहीं करता। करता हूं नूरी, बहुत प्यार करता हूं। जितना एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है उससे भी कई ज्यादा प्यार करता हूं तुझसे। बस इश्क किसी और से कर बैठा। अजान के मुंह से नूर की ही बातें सुनी थी। हमें पता होना चाहिए था कि नूर की दोस्ती में ही मोहब्बत छुपी है। जब से होश संभाला है तेरी दुल्हन बनने का ख्वाब देखा है। देख मेरी बात सुन। अब कुछ सुनने का वक्त नहीं बचाया जान। तेरी अम्मी ने जुबान दी है उसका क्या? रिश्ता तो बन चुका है, अब तू उसे बदल नहीं सकता। हमें चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज। शायरा, शायरा रुको। मेरा होने वाला दूल्हा तो तुमने मुझसे छीन लिया, अब पीठ दिखाकर कहां जा रही हो? आपने जुबान दी थी बड़ी अम्मी कि मैं आपकी बहू बनूंगी, भोपाल की बहू बेगम बनूंगी, लेकिन आज मुझे पता चलता है कि अजान तो किसी और से मोहब्बत करता है। नूर, हम इस बारे में बात नहीं। अम्मी बात यही होगी और सबके सामने होगी। आपको पता है मुझे जो चाहिए होता है वो चाहिए ही होता है, जो मेरा होता है उसके लिए मैं लड़ भी सकती हूँ और मर भी सकती हूँ।
लेकिन जो मेरा है ही नहीं उसके लिए क्या लड़ना बड़ी अम्मी। करवा दीजिए इन दोनों का निकाह। बरसों पहले किस्मत ने एक मजाक किया था और रजिया बेगम की जिंदगी उजाड़ कर रख दी थी। बरसों के बाद किस्मत आज फिर वही खेल खेलने जा रही है। भोपाल कई साल पहले भी निकाह की आग में जला था, आज फिर उसी आग में झुलसने जा रहा है।
शायरा, ये हमारा घर है। उम्र भर मकानों में रहने वाली जब घर आए रो पड़ते हैं। हम 7 बरस के थे जब अम्मी अबू गुजर गए। दौलत तो थी पर मोहब्बत, उनकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, पर मोहब्बत की कमी नहीं होगी, ये हमारा वादा है। पर हमारा भी बदमाश सबके सामने। अरे खाला, पर मेरी पहली गर्लफ्रेंड तो आप है ना। अरे बानूर, घर तो बहुत अच्छा सजा। अजान बाबा आ गए, अजान बाबा आ गए। आप यहाँ हटिए। आपके लिए कुछ खास बनाया है, आइए। शीर कोरमा जो बचपन में तुम खाते थे ना। बैठो बैठो बैठो, लो आ गया। शायरा, भोपाल के होने वाले बहु बेगम की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बस कीजिए। आइए बैठिए। नूर बेटा जरा हटिए। कुछ मीठा तो खाना पड़ेगा आपको। माशुका दिलरुबा, जरा शायरा बेटी के लिए हलवा तो लाओ। सेल्फी टाइम गाइस। भोपाल की होने वाली बेगम के साथ एक सेल्फी तो बनती है ना। उठिए ना, उठिए ना भाईजान। सभा में भी, सभा में भी हमें भी टैग करो ना। माशाल्लाह कितने अच्छे दिख रहे हैं आप दोनों साथ में। सभा तो हमेशा ही कितनी अच्छी तस्वीरें की। ये लड़की ना जरूर कुछ करने वाली। जब भी कुछ करने वाली होती है ना, मुझे ऐसी हिचकियां आ जाती हैं। इस ताश में बादशाह भी पुराना है और गुलाम भी। तो फिर ये नई बेगम कहां से आ गई? हुजूर ने याद फरमाया। बेगम तो उस नौकरानी की बेटी बनने वाली थी। तो फिर ये नया गुल कहां से खिल गया? दरगाह पर क्या हुआ दिलरुबा? क्या हुआ नूर? मर गई नूर। तो
पिता जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जब बेटी बड़ी हो जाए ना, तो बाहर वालों की नजर जल्दी लग जाती है। और आज तो मेरी नूर सचमुच बड़ी हो गई। रो क्यों रही है? क्योंकि मुझे बड़ा नहीं होना अम्मी, मुझे समझदार नहीं होना। बड़े हो जाओ तो कोई नहीं पूछता कि नूर तुझे क्या हो गया, तुझसे क्या खो गया। आजान, नूर तुझे आजान से मोहब्बत नहीं हो गई? नूर मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुझे अजान से मोहब्बत तो नहीं होगी? शक्ल देखी उसने अपने आईने में, मैं उससे मोहब्बत करूंगी। तो फिर तू रो क्यों रही है? क्योंकि अब मैं भोपाल की बहू बेगम नहीं बनूंगी अम्मी। अल्लाह ने ना इस लड़की को ना सुकून दिया है ना सब्र, पर सच दिया है, और सच से बड़ी नेमत नहीं होती। हमारी नूर जैसी भी है सबके सामने है। नूर आप ये सारे गिफ्ट रख सकती हैं, मुझे सेकेंड हैंड गिफ्ट्स नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए नूर? दूल्हा ये अजान से भी अच्छा। या? अजान दुल्हा नहीं बनेगा तो दुल्हा? अरे सुरैया बेगम, दुल्हा वही है, बस दुल्हन बदल गई है। क्या है कि हमारे अजान मियां ना कोई लंदन वाली उठा के लेके आए। झूठ बोलो तो कौवा खाऊं, कोई गोरी भीम ले आए। अरे नहीं सुरैया बेगम नहीं, वो क्या है कि कोई शायरा नाम की यतीम लड़की है। यतीम लाने लंदन क्यों गया था? यतीम तो यहाँ भोपाल में बसेरी पड़ी है। यार कोई बात नहीं, अच्छा ही है, वो नौकरानी की बेटी से तो जान छुटी, उससे तो निकाह नहीं होगा कम से कम। अगर हो भी जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता? आसमान तो टूट ही पड़ता, आपको पता नहीं उससे भी बुरा होता। अगर वो मुंह फट कैची जैसी जुबान वाली लड़की से निकाह हो जाता है ना, तो बहु बेगम बनते ही वो सबसे पहले हमें यहाँ से निकाल देती। अच्छा हुआ उसे जान छूट गई। सुरैया बेगम, हमारी ऐसी किस्मत का उस नूर से जान छूटी तो ये लंदन वाली हमारे गले पड़ गई, और हमने तो यहाँ तक सुना है दूसरे दरगाह पे सफीना के शोहर का मुंह बंद कर दिया, और आते के साथ ही वो सबकी आंख में चढ़ गई है, और वो भी खासकर बहु बेगम की नस्लों में। माशाल्लाह। अबू, नूर का निकाह अजान से नहीं हो रहा है ना अम्मी? अबू आप बात कीजिए ना नूर से, मेरे निकाह की बात कीजिए ना। खालिद, अरे बाबू अब चलिए ना। खालिद मेरी बात सुन। अच्छा मैं खुद जाता हूँ। खालिद 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 मेरी बात सुन। खालिद
झूठ बोलू तो कौवा खाऊं। शौहर मिला है ऐसा जो रजिया भाभी के शौहर के जाने के बाद भोपाल का नवाब तक नहीं बन पाया, और बेटा मिला है ऐसा जिसके दिल में वो मुई नौकरानी की बेटी है। तो आपको दूल्हा चाहिए? अब ये भी बता दीजिए कि कैसा दूल्हा चाहिए? रईस, इतना रईस कि अगर उसकी 2-4 करोड़ चूहे कुतर भी जाए ना तो उसे पता भी ना चले। और अम्मी गुड लुकिंग होना चाहिए, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, 6 packs होने चाहिए, बेसिकली नूर को क्रीक कोट चाहिए। अच्छा फिर तो तुम ना सलमान खान से निकाह कर लो। कर ली थी पर एज गैप। खानदान भी ऊंचा है और क्या पता कोई 2-4 कवारे बेटे भतीजे ही मिल जाए। तो हस्बैंड के अंदर क्या होना चाहिए? गुड लुक्स, पैसा, घर और प्यार। प्यार? प्यार का क्या है? प्यार तो शादी के बाद हो ही जाता है ना बड़ी अम्मी? सॉरी। इट्स ओके। और वैसे भी दुनिया में ऐसा कौन है जिसे आपसे प्यार ना हो जाए? ये अजान का बच्चा जो अपने लिए तो लंदन वाली बहू ले आया है। मन तो कर रहा है जूती उठाकर यहीं मार दो। अरे अजान से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा। ताई अम्मी, अजान नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं करूंगा नूर से निकाह। फिर से शुरू हो गया। ये लड़की जरूर कुछ कांड करेगी। हमसे निकाह करेंगी ये कंडल लगा के? नूर, मम्मी तुमने कभी कहा तुम्हें दौलत चाहिए ना? मेरे पास दौलत है, ये 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 ये, ये, ये देखो 2500 रुपए तो ऐसे निकला है, और मैं भोपाल का छोटा नवाब हूँ, तुम छोटी बेगम बनोगी। मर गई नूर, अपनी शक्ल देखिए आईने में, कंडल के बिना तो दिखता भी नहीं आपको। मगर 3 बार तो गैर अटकते हैं मेरा नाम लेने में आपके, और चलते ऐसे हो जैसे चप्पल टूटी हो। आए बड़े मुझसे निकाह करने वाले, जाइए छोटे नवाब, आप गुड्डी गुड्डियों से खेलिए। नूर से निकाह करना ना आपकी बस की बात नहीं है। चुप, कैंची की तरह जबान चलती है तेरी। माफ कर दीजिए सुरेखा बेगम, आप तो जानती हैं उसे बचपन से जो मुंह में आता है वो बोल। यास्मीन बे, आप क्यों माफी मांग रहे? माफी तो हम लोग मांगने आए अजान से, वो दरगाह पर आ नहीं पाए ना इसीलिए। सलाम अलैकुम। यास्मीन भी
हम नूर से बिल्कुल नाराज नहीं है। वैसे सच ही कहा है नूर ने, खालिद उसके लायक नहीं है। इसे तो ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो पूरे भोपाल में क्या पूरे हिंदुस्तान में ना हो। ऐसा लड़का जो रईस हो, नेक हो, ऊंचे खानदान का हो। झूठ बोलो तो कौवा खाओ, ऐसा लड़का तो सिर्फ एक ही है। अजान अख्तर मिर्जा। अरे यास्मीन भी, ये तो हमारे खानदान की रवायत है। हमारे भाईजान ने भी दो निकाह किए थे। तो अब हमारा भतीजा भी दो निकाह करे। अस्कर मिया, भाभी जान कहते हैं ना, बेटा हमेशा बाप के नक्शे कदम पर चलता है। और इनकी रकम भाई जान का ही तो खून है। पर परवरिश हमारी है। अजान के अब्बा ने जो गलती की थी वो अजान नहीं दोहराएंगे। अरे आप तो बुरा मान गई बहू बेगम, हम तो नूर की भलाई के लिए कह रहे थे। आपने भी तो इस नौकरानी को जुबान दी है। आपकी जुबान और नूर का दिल दोनों की इज्जत रह जाएगी। और हमारे अजान मियां के पास दोनों को बराबर देने के लिए दौलत भी है। दौलत बांटी जा सकती है, मोहब्बत नहीं। इंशाल्लाह नूर को ऐसा लड़का मिलेगा जो सिर्फ इनसे प्यार करेगा। लीजिए भाभी जान, आपकी होने वाली बहू तो अभी से आपके नक्शे कदम पर चल रही है। और इसीलिए अजान के लिए इससे बेहतर लड़की हो ही नहीं सकती। मीठे माहौल को कड़वा करने का शुक्रिया असगर मियां। अब और कोई कसर रह गई हो तो उसे भी पूरी कर लीजिए। बच्चों की हंसी मजाक को हंसी मजाक ही रहने दें तो बेहतर होगा। उसे कोई और मोड़ देने की कोशिश ना करें। अल्लाह करे आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे। बिल्कुल रहेंगी बड़ी अम्मी।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.